नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रविन कार्टेक में। दोस्तों आज हम टाटा नेक्सन XM वेरिएंट, जो कि बेस वेरिएंट से थोड़ा ऊपर का वेरिएंट है, इसे कंपेयर करने वाले हैं न्यूली लॉन्च मारुति जो कि विटारा ब्रेजा पेट्रोल के साथ। ये है VXI वेरिएंट, बेस से वेरिएंट ऊपर का। इसमें आपको फ्रंट में क्रोमवर्क मिलता है, वहीं अगर टाटा नेक्सन XM वेरिएंट देखें तो इसमें आपको क्रोमवर्क नहीं मिलता। प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिखाई देते हैं लेकिन फॉग लाइट्स नहीं मिलती। वहीं मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं, क्रोम वर्क देखने को मिलता है। और टाटा नेक्सन को अगर देखें और वहीं विटारा ब्रेजा देखें, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। अब देखिए टाटा नेक्सन का साइड प्रोफाइल देखेंगे तो आपको एलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे, 16 इंचेस के आपको व्हील मिलेंगे। ओपनर्स में आपको बॉडी कलर नहीं मिलता। वहीं अगर विटारा ब्रेजा फेसलिफ्ट देखें VXI वेरिएंट, इसमें भी आपको एलॉय व्हील्स नहीं मिलते, सिंपल व्हील मिलते हैं, स्टील व्हील्स। और ओपनर्स जो हैं, डोर ओपनर, वो आपको बॉडी कलर मिल जाते हैं, जबकि टाटा नेक्सन में आपको बॉडी कलर नहीं मिलते। मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये है ORVM भी आपको बॉडी कलर मिल जाते हैं विटारा ब्रेजा में, जबकि टाटा नेक्सन में आपको बॉडी कलर नहीं मिलते, ब्लैक कलर के ही मिलते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है साइड प्रोफाइल में। तो चलिए अब देखते हैं रियर। ये है टाटा नेक्सन फेसलिफ्ट का रियर। रियर में आपको काफ़ी अच्छी बोल्ड लुक दिखाई देती है टाटा नेक्सन में। वाई शेप के आपको टेल लैंप्स दिखाई देते हैं, LED टेल लैंप्स। नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं और नेक्सन की बैजिंग मिल जाती है और टाटा का लोगो मिल जाता है। इसमें आपको 350 लीटर की बूट स्पेस मिलती है। वहीं अगर हम विटारा ब्रेजा की बात करें तो विटारा ब्रेजा में आपको ऐसी LED टेल लैंप्स दिखाई देती हैं, थोड़ी सी बाहर को उभरी हुई है। नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। अगर इसके बूट स्पेस की बात करें तो इसमें आपको 328 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, टाटा नेक्सन से थोड़ी कम है बूट स्पेस। यह है स्पेयर व्हील। तो दोस्तों ये दो वेरिएंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा सेल होते हैं क्योंकि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। तो लास्ट में मैं इसके बताऊंगा आपको क्या क्या प्राइस हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इंटीरियर। इंटीरियर बहुत मायने रखता है दोनों गाड़ियों का। यह है टाटा नेक्सन का इंटीरियर, इसमें आपको ऐसा ग्लॉस वर्क देखने को मिलता है, बाकी डार्क ग्रे कलर का इंटीरियर है। इसके डोर में आपको ऐसा अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाता है जो कि इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस किया है। टाटा ऑल्ट्रोज में भी आपको मिलता है, टाटा नेक्सन में भी आपको अम्ब्रेला होल्डर मिल जाते हैं। यह स्टीयरिंग व्हील। बिल्ड क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। स्टीयरिंग व्हील में आपको ऐसा ग्लॉस वर्क देखने को मिलता है लेकिन स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स मिसिंग है, इसमें स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स नहीं मिलते। यह म्यूजिक सिस्टम और AC वेंट्स और यह ऑटोमेटिक AC। यहाँ आपको वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह के स्विचेस मिल जाते हैं। यह है AC कंट्रोल के स्विचेस और AC नोब्स। यहाँ भी आपको थोड़ा सा ग्लॉस वर्क देखने को मिलता है और ये बूट ओपनर, इसका स्विच भी यहाँ पे आपको मिलेगा, आपको फुट के पास नहीं मिलता। और ये है चार्जिंग पॉइंट्स, 12 वॉट का चार्जिंग। इसमें आपको ये ड्राइविंग मोड्स भी मिल जाते हैं अलग अलग, जो कि आपको ब्रेजा में नहीं मिलते। ये है सीट की क्वालिटी और ये है ग्लव बॉक्स। यहाँ आपको ग्लास होल्डर मिल जाता है। तो नेक्सन की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, नेक्सन में कई चीज़ें हैं। तो अब हम देखते हैं ब्रेजा। ये विटारा ब्रेजा का इंटीरियर है जो कि 2020 वेरिएंट है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। इसमें नेक्सन के मुकाबले थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा है, जैसे कि इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच इसमें आपको मिल जाएगा, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे, यानी कि वॉल्यूम कंट्रोल के स्विचेस मिल जाएंगे, कॉल रिसीव कॉल कट के स्विचेस मिल जाएंगे,
जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आजकल, ये आपको मिल जाएंगे इसमें। ये रहा इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच, जो कि टाटा नेक्सन XM वेरिएंट में मिसिंग है। यह म्यूज़िक सिस्टम, यहाँ आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, ऊपर अपना थोड़ा सा सामान वगैरह रखने के लिए, और इसके नीचे छोटा सा ग्लव बॉक्स मिल जाता है। ये रहा ग्लव बॉक्स, में लाइट मिल जाती है। विटारा ब्रेजा का इंटीरियर का कलर थोड़ा सा डार्क है एज़ कम्पेयर टू टाटा नेक्सन, और ऑटो एसी इसमें मिल जाते हैं। इसमें आपको अलग ड्राइविंग मोड्स नहीं मिलते जैसे कि टाटा नेक्सन में दिए गए हैं। हैंड रेस्ट टाटा नेक्सन में भी नहीं मिलती, इसमें भी नहीं मिल रही। तो बिल्ड क्वालिटी इसकी थोड़ी सी लाइट है एज़ कम्पेयर टू टाटा नेक्सन। यह वैनिटी मिरर ये दोनों गाड़ियों में आपको मिल रही है। तो यह है टाटा नेक्सन। टाटा नेक्सन की MID आपको डिजिटल MID मिलती है, जबकि विटारा ब्रेजा की डिजिटल नहीं है। तो अब हम आ गए हैं रियर में। रियर की सीट देखने के लिए कितना है इसमें लेग स्पेस और कितना है हेडरूम। लेग रूम वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है आपको टाटा नेक्सन में, और हेडरूम भी अच्छा खासा है इसमें। और पीछे से देखने में आपको कुछ ऐसा लुक मिलेगा इंटीरियर का टाटा नेक्सन का। यह है ग्रैब हैंडल्स। ग्रैब हैंडल की हाइट से पता चलता है कि इसका हेडरूम कितना ज़्यादा है। यहाँ पार्सल ट्रेस में आपको नहीं मिलती, और विटारा ब्रेजा में भी आपको नहीं मिलती। यह विटारा ब्रेजा का रियर। इसमें भी लेग रूम आपको अच्छा खासा मिल जाता है, हाइट भी अच्छी खासी मिल जाती है। इन दोनों गाड़ियों में आपको रियर में AC वेंट्स नहीं मिलते इस वेरिएंट में। यह ग्रैब हैंडल्स, ये देखिए इसमें भी पार्सल ट्रे का ऑप्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मेन डिफरेंसेस हैं टाटा नेक्सन और विटारा ब्रेजा फेसलिफ्ट पेट्रोल में। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं इनके और कुछ डिफरेंसेस के बारे में, जैसे कि प्राइस। अगर विटारा ब्रेजा VXI के प्राइस की बात करें तो 8,35,000 रुपये डेली एक्स शोरूम प्राइस है, और वहीं टाटा नेक्सन का 7,70,000 रुपये डेली एक्स शोरूम प्राइस है XM वेरिएंट का, जो आप देख रहे हैं। तो दोनों के बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है प्राइस में। अगर हम इंजन की बात करें तो टाटा नेक्सन में आपको 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है BS6 कंप्लायंट, जो कि आपको 118 BHP की पावर देता है। वहीं अगर विटारा ब्रेजा की बात करें तो इसमें आपको 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है BS6 कंप्लायंट, जो कि 103 BHP की पावर आपको दे देता है। अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करें तो क्रैश टेस्ट में विटारा ब्रेजा को 4 स्टार मिले हुए हैं, और अगर टाटा नेक्सन की बात करें तो टाटा नेक्सन 5 स्टार रेटिंग क्रैश टेस्ट पास कर चुकी है, और अब तक की काफ़ी सिक्योर गाड़ी है। तो दोस्तों, ये मेन डिफरेंसेस थे। तो अगर आपको दोनों गाड़ियों में चूज़ करना हो तो आप कौन सी गाड़ी चूज़ करेंगे, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। क्या आपको कंपैरिजन अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद है, टाटा नेक्सन या फिर विटारा ब्रेजा VXI। ये काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती और वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है,
अगर आप बाय करना चाहते हैं तो। अगर आपको कंपैरिजन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।